सो स्वागत है देवियों सज्जनों आपका एक और नई वीडियो में। और फटाफट से अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। जी हाँ, आज के इस व्लॉग में हम लोग पहुँच गए हैं जी जोजिला से आगे, और लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हो ये चल रही है हमारी नहर, और यहाँ से सीधा अब हमारी जो जर्नी है, सबसे पहले हम कश्मीर से लद्दाख में एंटर करेंगे। जी हाँ, जोजिला जब हम क्रॉस करते हैं तो उसके बाद एक बॉर्डर आता है, ठीक है ना, वहाँ पे चेक पोस्ट बनी होती है और वहाँ अपनी यू नो एंट्री वेंट्री करके और तब आप आगे प्रोसीड करते हैं। लेकिन आप देख रहे हो बर्फ़ देख रहे हो भाई, कितनी हाइट है बर्फ़ की इस एरिया में भाई, जून के महीने में भी इतनी स्नो, माई गॉड। लो जी आ गए हैं जी हम उस चेक पोस्ट पे जिसकी मैं अभी बात कर रहा था जी। ये है चेक पोस्ट, इसको आप इस तरीके से कहें कि इससे पीछे है कश्मीर और आगे है लद्दाख। जी हाँ, सारे अपने राइडर मित्र पहुंच गए हैं और भी काफ़ी सारे राइडर्स हैं। और ये देखो ये बोर्ड है यहाँ पे, बोले तो ये लद्दाख का बॉर्डर हो गया, तो इसका बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे किलोमीटर्स, और ये पुलिस चौकी है भाई यहाँ की, ठीक है ना, तो यहाँ से लद्दाख पुलिस शुरू हो जाती है। चलो भाई अब एक बार फटाफट से हम भी अपनी एंट्री कर लें, चाबी निकाल लें, पता चले कोई पीछे से बाइक ही लेके पुर हो गया। वैसे तो ऐसा होता नहीं है यहाँ पर। ये देख रहे हो भाई, यहीं लास्ट ईयर यहीं अपना कोरोना का टेस्ट हुआ था, अगर आपको याद हो। हैं भाई, एंट्री सीरियस लेवल पे चल रही है, गौरव ने मार दी भाई अपनी एंट्री। एक भाई ये पंजाब वाले राइडर थे अपने, इनका रेनकोट है ना बिल्कुल सिमिलर मेरे वाले रेनकोट जैसा था भाई। इनका रेनकोट देख के ना मेरा मन उतर गया, फिर मैंने दोबारा रेनकोट नहीं पहना भाई, बहुत गंदा लग रहा था। हाँ जी आओ जी आओ, सभी सवारियाँ पहुँच चुकी हैं, नेक्सॉन वाली सवारी भी पहुँच चुकी है, मारो भाई एंट्री फटाफट से। यार लद्दाख की ये जो ब्यूटी है ना, अगर आप देखो सामने, यार बार बार प्यार होता है भाई। जोजिला के वहाँ जितना ऑफ रोड था ना भाई, आप यहाँ पे आके सारा का सारा, मतलब देखो दोनों तरफ ग्रीनरी भी है और उसके बाद बीच में काला रोड भी, यार और चलाने में भी मज़ा आ रहा है भाई, कसम से ऐसा लग रहा है अगर ऐसा रोड मिल जाए ना, पता नहीं कहाँ तक खींचम खींच ले जाऊँ। और वो सामने देख रहे हो यार, वो सामने वाली जो पीक नज़र आ रही है ना, वो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे केदारनाथ वाली है ना पीक पीछे, बिल्कुल वैसी सी। सो जय बम बोले, हमारी भी अर्जी यहीं से स्वीकार करें आप, और फिर आएंगे हम भी कभी केदारनाथ। लो जी मंजिल की बात की और मंजिल पहुंच गए जी, हमारा पहला स्टॉप बोले तो कारगिल वॉर मेमोरियल। लेकिन एक से एक चीते पड़े ना भाई, अब मैं और रचित तो यहाँ हैं, बाकी दिखाई नहीं दे रहे, मेरे आरे प्यारे कहाँ गए। तो ये भाई लेफ्ट साइड में आपका कारगिल वॉर मेमोरियल है और राइट साइड में इसकी पार्किंग है। चलो गौरव भी दिखाई दे गया भाई, गौरव भी यहीं है और गाड़ी भी हमारे साथ ही थी। नहीं गाड़ी नहीं है भाई, गाड़ी मिसिंग है। तो भाई बार बार हमारे साथ हो रहा है यही काम कि आगे पीछे होए जा रहे हैं, अब उनका इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इंतज़ार भी ऐसी जगह पे करना चाहिए जहाँ बैठ के कुछ खा भी ले, क्यों। चलो एक बार इससे भी पूछ लें भाई, क्या कह रहा है ये हैं, कहाँ गया गौरव, अबे आगे लाना बाइक। अरे कहाँ यार, कहाँ रह जाते हैं वो, बार बार आगे पीछे कैसे हो जाते हैं मेरे को समझ में नहीं आता। फिर आगे निकल गए, अब यहाँ खड़े होकर इंतजार करना पड़ेगा उनका, हद होती है भाई। लगा लो फोन, लगा लो एक बार उसको, तब तक अपन बैठ जाते हैं कहीं। नहीं भाई यहाँ नहीं लगाएंगे, दूसरी पार्किंग देखते हैं कहीं।
मोड़ लो भाई, मोड़ लो, आगे वाली में लगाएंगे, आगे वाली में। मेरे भाई इस वाली पार्किंग में यहाँ अपनी बाइक खड़ी करके और भाई उनका इंतजार करते हैं और कुछ चाय पानी का जुगाड़ करते हैं। तो लो जी आ गए जी हम कारगिल, फाइनली कारगिल। चले सुबह, ये है अपना कारगिल और ये है सैंडी और भाई ये पीछे आ रहा है सौरभ और उसके पीछे रचित। कारगिल वॉर मेमोरियल ये है भाई, इसका स्मृति पथ। पीछे अगर देखोगे पीछे की तरफ सारी की सारी पीक्स जो हैं वो स्नो कवर्ड हैं और ये अपना तिरंगा शान से लहराता हुआ। थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, देख लो भाई वो उत्सव तो इधर से है वीर जो ऑफिसर है वो कारगिल को लेके क्या हो गया था क्या डॉक्टर मनोज कुमार पांडे को उनके अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन विजय में लद्दाख की स्कॉट के जवानों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। मेजर सोनम चुप और उनके बहादुर जवानों ने अपने जोश और साहस को कायम रखते हुए चोर बैठ चक्कर से दुश्मन को मार दिया। मेजर सोनम चुप को उनके अदम्य साहस और वीरता के महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। सेप्टेम्बर में कारगिल युद्ध की कुछ सबसे ऊंची चोटियों पर लड़ी गई। इस सेप्टेम्बर में दुश्मन ने 0.5590, 0.220 और 0.770 जैसे फीचर्स में घुसपैठ कर लिया। इस सेप्टेम्बर में भारतीय सेना की कारगिल वॉर मेमोरियल एक इंडियन हिस्ट्री वॉर हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कारगिल में ये स्टोरी आप सबको पता है, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, एक तो ये तिरंगा शान से ऐसे लहराते रहना चाहिए और एक जिन जवानों ने शहादत दी इस युद्ध के दौरान वो शहादत कभी भूलनी नहीं चाहिए। तो जब भी आप लद्दाख की तरफ आ रहे हैं तो नेवर एवर फॉरगेट टू विजिट दिस प्लेस। क्या है यहाँ, क्योंकि ये है वीर भूमि। क्यों है वीर भूमि, वो क्या बोलते हैं, कौन सी बात बोलते हैं कि ऐसे ही कोई जंग जीती नहीं जाती, जंग जीती जाती है खून बहा के। तो कहते हैं भाई कि कारगिल के युद्ध में वहां ऊपर उस चोटी में साहब जी उस चोटी में वहां कहीं पीछे पाकिस्तान की फौज थी, ऊपर आ गए थे दुनिया से, उनको पीछे खदेड़ा गया, यहां से ऊपर कॉन्कर करना थोड़ा
थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क था, लेकिन संभव इंडियन आर्मी। लेकिन जिस जगह पे ये बना हुआ है भाई, थोड़ा सा यू नो इमोशनल वाला सीन हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि इतने लोगों ने शहादत दी थी, इतने लोगों ने। सल्यूट है। अब कारगिल वॉर मेमोरियल से अब निकल के अब आगे की लोकेशन पे हम लोग चलेंगे। तब तक क्या भाई, हाउ हाउ यू आर फीलिंग ब्रो? बस करते हैं इसको यहीं एंड अप। जय हिंद। सो फाइनली अपनी लास्ट लोकेशन से निकलने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं। सबसे पहले पास पे बोले तो नमिकला, ठीक है। ये पीछे जो भीड़ देख रहे हो आप, ये भीड़ है सारी की सारी नमिकला की। यहाँ ऑलवेज जितने भी राइडर्स हैं उन सारों का क्राउड यूजुअली रहता ही है, तो सब अपना अपना पिक्चर्स वगैरह क्लिक करेंगे। तब तक अपन यहीं इंतज़ार करेंगे। लेकिन आसपास पूरा जो बढ़िया जिसे कहते हैं ना सिल्की माउंटेंस, वो सिल्की माउंटेंस हैं। देखो ये माउंटेन्स की क्वालिटी सिर्फ आपको यहीं देखने को मिलेगी और कहीं नहीं। एक बात तो माननी पड़ेगी और इस चीज़ को आप लोग भी एडमिट करेंगे भाई, लद्दाख क्यों लोग हर साल आते हैं, हर बार आते हैं और बार बार आना चाहते हैं, उसका मेन रीज़न है ये खूबसूरती। यार भले ही ये गंजे पहाड़ हो, लेकिन ये नज़ारे और कहीं नहीं मिलते। तो यहाँ से हम लोग अब तैयारी कर रहे हैं भाई कि नेक्स्ट लम्बायरू में जाके हो सकता है अपना स्टे। उससे पहले एक बार फोतुला एंटर करते हैं। सो लो जी देवियों सचनों, ये जो सामने आप देख रही हैं फोतुला पास, जी हाँ फोतुला पास, इसको कहा जाता है जी आपके लेह हाईवे पे, बोले तो श्रीनगर लेह हाईवे पे ये सबसे हाईएस्ट पीक है, जी हाँ। और नमकीला के बाद, अभी पीछे जो गया था नमकीला के बाद ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट पास हो जाता है लद्दाख वालों के लिए कि भाई फोतुला, तो यहाँ रुक के फोटो खींचना ही है, तभी तो बोलोगे ना फोटुला, यू नो इट मेक्स सेंस। चलो भाई अब हम अपन भी उतर जाते हैं, बहुत देर से बैठे हुए हैं, और अपन भी फोटुला पे एक फोटो ले लेते हैं। और एक बार यार ये बाइक है ना, वजन इतना हो जाने के बाद है ना बार बार ये भाई पहुंच गए फोतुला, क्या बात है, खुशी देखो। ए बुबला पास, सारे खुश हैं भाई, देख लो सबके चेहरे पे खुशी नजर आ रही है क्योंकि फोतुला पहुंच गए। एक बार भाई कुछ पत्थर लगाना पड़ेगा इसके नीचे, बार बार झुकी रही है, बिना पत्थर लगाए बात बनेगी। ले भाई ये कर दिया जुगाड़, ले फोटो ले फोटो ले।